ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर एक्सीलेटर की मांग को लेकर जो है यहाँ पर MIM के सैफ पठान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आपको बता दें कि एक्सीलेटर की मांग काफ़ी सालों से यहाँ पर चल रही है, मगर एक्सीलेटर मुंब्रा स्टेशन पर नहीं लगाया जा रहा है, जबकि दीवा में और कलवा में एक्सीलेटर लगा दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद जो है MIM और वंचित बहुजन के लोग जो है वो लोग तमाम लोग जो है इसके लिए जो है कई बार निवेदन भी दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद मुंब्रा स्टेशन पे अभी तक एक्सीलेटर नहीं लगाया गया है। हम यहाँ पर जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं सैफ पठान, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन्होंने पहले भी निवेदन दिया था तो उस निवेदन को इन्हें क्या जवाब मिला और अब ये फिर एक्सीलेटर को लेकर दोबारा भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सैफ भाई, आप एक्सीलेटर की मांग लगातार जो है मुंब्रा स्टेशन पर कर रहे हैं, लेकिन आपने इसके पहले भी निवेदन दिया था और एक्सीलेटर अभी तक नहीं लगा, आखिर क्या वजह है? ये देखिए, ये एक तरह का इग्नोरेंस है मुंब्रा को रेलवे की तरफ, प्रशासन की तरफ से, और कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल यानी गेम हो रहा है हम लोगों के साथ, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, सौतेला व्यवहार हो रहा है रेलवे प्रशासन का। मैंने काफ़ी टाइम मांगनी की है, मैं पिछले 2016 से रेलवे प्रशासन से मांगनी कर रहा हूँ कि आपने कांजूर मार्ग में 2016 में एस्केलेटर लगाया था, नाहौर में लगाया था, उसका रेवेन्यू से 3 गुना ज़्यादा रेवेन्यू था उस वक्त हमारा, तब भी हमारे को एस्केलेटर प्रोवाइड नहीं किए गए थे। उसके बाद उन लोगों ने मुझे काफ़ी टाइम तक पत्र व्यवहार चला, 2018 में 8वें महीने में रेलवे प्रशासन ने मुझे बुला करके लेटर दिया था, उसमें उन्होंने लिखा था कि 4 एस्केलेटर प्रपोज किए गए हमारे लेटर के जरिए, लेटर के जवाब में, और उन लोगों ने ये बताया कि जल्द से जल्द एस्केलेटर लगेगा। सडनली मैंने एक दिन देखा, नवंबर महीने के 11 तारीख को जो यहाँ के MP है श्रीकांत शिंदे साहब सेना से, उन्होंने जान जाने कैसा भेदभाव किया और उन्होंने ओपनिंग की दीवा में और कलवा में, जो कि हमारे दोनों बाजू के स्टेशन से मुंब्रा बीच का स्टेशन है और ये उनके क्षेत्र का है, लेकिन सेना ने दोनों स्टेशनों पे ओपनिंग की, मुंब्रा को इग्नोर कर दिया। जबकि फिर मैंने जनवरी में वापस से हमने पत्र व्यवहार किया, RTI मांगी कि हमको रेवेन्यू बताया जाए कि दीवा का कितना है, कलवा का कितना, कितने लोग ट्रैवल करते, तो उसमें भी जो कार्ड टिकट सेलिंग है दोनों की मिला करके मुंब्रा की अकेली है, यानी वहाँ के 2 टाइम ज़्यादा लोग यहाँ से ट्रैवल करते, फिर भी MP श्रीकांत शिंदे साहब को हमारा मुंब्रा नहीं दिखा, कलवा और दीवा में उन्होंने ओपनिंग करवाई, मुंब्रा को इग्नोर किया गया। उसके लिए आज हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे कि हमारे मुंब्रा को भी इंसाफ मिले और यहाँ के सीनियर सिटीजन्स को भी यानी इंसाफ मिलो। आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं तो आप लोगों को अभी तक यहाँ पर कितने लोगों का जो है समर्थन मिला है, और आप बेमुद्दत भूख हड़ताल पर बैठे हैं क्या, ये जब तक आपकी मांग नहीं पूरी होगी तब तक आप भूख हड़ताल पर रहेंगे, और आपके साथ कितने लोग बैठे हुए हैं? जी मेरे साथ देखिए, यहाँ पर हमारी वंचित की पूरी टीम है, वंचित बहुजन अघाड़ी के हमारे भारिप के प्रेसिडेंट इस वक्त मौजूद है, और काफ़ी सीनियर्स हमारे लीडर अभी आ करके यहाँ से जा चुके हैं, और हमारे को समर्थन शहर से हर बड़ी तंजीमों ने दिया है। आप देख सकते हो गए, यानी जमाते उलमा हिंद ने दिया है, जमाते उलमा ने दिया है, कौसा मुमरा मेमन जमात ने दिया है, अलर्ट ट्रस्ट ने दिया है, मी मुमरेकर की संस्था ने दिया है, और सत्य की आवाज़ ने दिया है, और भी काफ़ी यानी जो है हमें समर्थन आ चुका है, हमारे को करीबन नियर अबाउट 12 से 13 बड़ी संस्थाओं ने समर्थन कर दिया अभी तक। और लेकिन जो एक्सीलेटर मुंब्रा स्टेशन पे बात आ रही है कि नहीं लग रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी बात सामने आ रही है कि जो मुंब्रा स्टेशन के नए प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं तो इसकी वजह से एक्सीलेटर नहीं लग रहा है, वो कम्प्लीट होगा तो एक्सीलेटर लगेगा? जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने जब यानी उधर पे कलवा में और दीवा में लगा था, उस वक्त मैंने जब DRM ऑफिस पे कांटेक्ट किया था तो उन लोगों ने मुझे यानी वहाँ मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा था कि अभी हम लोग चाइना से स्टॉक मंगाएंगे, हमारा स्टॉक खत्म हो गया उस वक्त, ऐसा नहीं। और देखिए क्या काम, ये 5 साल चलता रहा तो क्या 5 साल और एस्केलेटर्स नहीं लगेगा? हमारे सीनियर सिटीजन को 5 साल और ट्रैवल करना पड़ेगा, ब्रिज चढ़ना पड़ेगा, तकलीफ उठानी पड़ेगी। काम तो आज करीबन पिछले 4 साल से चल रहा है आपका, 4 सालों में काम नहीं हुआ, आगे और 5 सालों में नहीं होगा। हमारे बाद दीवा का काम शुरू हुआ वो हो गया, हमारे बाद कोई दूसरे स्टेशन नए बनाने के लिए शुरू हुए वो हो गए, तो ये नाहौर बन गया, हमारा काम आज तक नहीं हुआ। तो क्या जब तक आप काम में भी डिले करोगे और उसी बहाने से हमारे को रोक के रखोगे हमारी सहूलतों के लिए? इसके खिलाफ हमारी ये हड़ताल है, और जो भी काम चालू है प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 का चालू है, 1 और 2 का क्या काम चालू है? उस पर तो एक्सीलेटर लग सकते, वो तो कंटिन्यूसली यानी मूविंग में है, आप बाद में जब बनेगा तो बाद में ज्वाइन कर देना एक्सीलेटर उसके आगे, लेकिन फिलहाल जो अभी रनिंग में है उसको तो दो। तो अभी आप क्या करेंगे, आप जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं तो कब तक रहेंगे आप भूख हड़ताल पर ऐसे? जब तक हमारा काम नहीं चालू होगा हम भूख हड़ताल करेंगे। देखिए आप, हम साथ ही साथ सिग्नेचर अभियान भी कर रहे हैं, कितने लोग परेशान हैं, कितने लोग सिग्नेचर दे भी रहे, आप देख सकते हो। अगर हमारी मांगे यहाँ से भी पूरी नहीं की गई
या हमें सिर्फ झूठे आश्वासन दे गए तो हम नेक्स्ट स्टेप कोर्ट मूव करेंगे इसके लिए। तो जैसा कि सुना आपने, सर पठान ने बताया है कि जो मुमरा एक्सीलेटर है लगाने की यहाँ सामने आ रही है, दीवा में और कलवा में एक्सीलेटर लगा दिए गए हैं, लेकिन फिलहाल मुमरा शहर जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है आमदनी होती है रेलवे को, लेकिन इसके बावजूद जो है मुमरा में एक्सीलेटर अभी नहीं लगाया गया है, जिसके लिए यहाँ पर ये जो है साक्षरता अभियान भी चला रहे हैं। यहाँ पर लोगों के सिग्नेचर भी कराया जा रहा है बाकायदा कि रेलवे स्टेशन पर जो है हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं ताकि जो है यहाँ पर एक्सीलेटर सीढ़ियाँ लग सके। अब देखने वाली बात है कि क्या सैफ पठान की मांगें पूरी होती हैं या नहीं। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।